नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव रसोगी और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का बरेली बुलेटिन। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिनभर क्या रहा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने किया स्ट्रांग रूम का निरीक्षण। मुख्य निर्वाचन अधिकारी लखनऊ नवदीप रिनवा ने रविवार को परसाखेड़ा स्थित स्ट्रांग रूम और कंट्रोल रूम की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करा। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार और SSP गुलेश शिलचंदमान भी मौजूद रहे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कंट्रोल रूम नंबर 2 में निरीक्षण के दौरान समाजवादी पार्टी से पीलीभीत लोकसभा सीट के प्रत्याशी के प्रतिनिधि और बरेली सीट से सपा प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन भी मौजूद रहे। उन्होंने वहां पर लगे CCTV कैमरे की फुटेज चेक करी। बता दें कि मतदान के बाद EVM मशीनें परसाखेड़ा स्ट्रांग रूम में सील कर दी गई हैं। तब से सपा कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम से 100 मीटर दूर अपना टेंट लगाकर EVM मशीनों की निगरानी कर रहे हैं। रविवार दोपहर प्रवीण सिंह एरन और सपा के महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी भी स्ट्रांग रूम में रखी गई मशीनों का निरीक्षण करने पहुंचे थे। आंधी बारिश में छज्जा गिरने से ताई के बाद भतीजी की मौत। देवचरा के गांव भुड़िया में देवेंद्र सिंह अपने भाई सुखबीर सिंह के साथ रहते हैं। शनिवार सुबह बारिश के दौरान देवेंद्र के बेटे अर्जुन की पत्नी सुधा, सुखबीर की पत्नी संजू, उनके बेटे आकाश, विकास और आकाश की 6 माह की बेटी उन्नति घर के दरवाजे पर बैठे थे। इस दौरान मकान का छज्जा गिरने से सभी लोग मलबे में दब गए थे। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने सुधा को मृत घोषित कर दिया था। रविवार को 6 माह की उन्नति ने भी दम तोड़ दिया। ताई के बाद भतीजी की मौत से गांव में मातम छा गया। SDM नैनीराम ने बताया कि पीड़ित परिवार को मुआवजे के लिए लिखा गया है, लेखपाल से रिपोर्ट मांगी गई है। कालीबाड़ी में होरीलाल की हत्या करने वाले धीरज और विजय गिरफ्तार। कालीबाड़ी में वोटिंग वाले दिन 60 साल के होरीलाल को संजय नगर से आए लड़कों ने घर में घुसकर मारा था। जब होरीलाल अपने बेटे और बेटी के साथ थाना बारादरी में शिकायत दर्ज कराकर लौट रहे थे, फिर रास्ते में स्कूटी से गिराकर उन पर ईंट पत्थर से प्रहार किए थे। इससे होरीलाल की मौत हो गई थी जबकि उनका बेटा घायल हो गया था। मामले में आरोपी श्याम राहुल, संजय, मोहित उर्फ भोला, धीरज और विजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। रविवार को बारादरी पुलिस ने धीरज और विजय को संजय नगर में शमशान भूमि के पास से गिरफ्तार कर लिया है। उनकी निशानदेही पर आला कत्ल, खून से सनी ईंट भी बरामद की गई है। इज्जतनगर स्टेशन पर लंगूर का आतंक, यात्री का काटा कान। हाफिजगंज थाना क्षेत्र के गांव अहमदाबाद निवासी रामदास राजेंद्र नगर स्थित सूरजभान इंटर कॉलेज में चौकीदारी का काम करते हैं। रविवार को स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए रामदास गांव जाने के लिए इज्जतनगर रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। तभी अचानक लंगूरी बंदर ने उन पर हमला कर दिया और उनका कान काट लिया। किसी तरह अन्य यात्रियों ने लंगूरी बंदर को भगाया, फिर घायल रामदास को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा। सैटेलाइट बस अड्डे पर नशीली चाय पिलाकर युवक को लूटा। शाहजहांपुर में थाना निगोई के गांव मलखा निवासी 26 वर्षीय राकेश हरिद्वार से काम करके रोडवेज बस से घर जा रहे थे। सैटेलाइट बस स्टैंड पर जहर खुरानी गिरोह के लोगों ने राकेश को बातों में फंसाकर नशीली चाय पिला दी और जेब में रखे रुपए, मोबाइल और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया और परिजनों को इसकी जानकारी दी। राकेश के परिजनों ने थाना बारादरी में लिखित शिकायत दी है। दरोगा की कटी गर्दन तो चाइनीज मांझा बेचने वाले 5 गिरफ्तार। सिविल लाइन चौकी में तैनात दरोगा महेश चौधरी की महादेव सेतु पर चाइनीज मांझे से गर्दन कटी तो पुलिस हरकत में आ गई। कोतवाली पुलिस ने चाइनीज मांझा बेचने और खरीदने वाले 5 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सभी के पास से चाइनीज मांझा और अन्य सामान बरामद किया है। शिवरक्षा पांडे को मातृदिवस पर किया गया सम्मानित। साहित्यिक संस्था कवि गोष्ठी आयोजन समिति की ओर से रविवार को गुलाब नगर में अंतर्राष्ट्रीय मातृदिवस पर सरस काव्य संध्या और सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता साहित्यकार रणधीर प्रसाद गौड़धीर ने की। मुख्य अतिथि विनय सागर जायसवाल और विशिष्ट अतिथि समाजसेवी योगेश जौहरी रहे। इस अवसर पर वरिष्ठ कवित्री शिवरक्षा पांडे को साहित्यिक क्षेत्र में उनके अविस्मरणीय योगदान के लिए संस्था द्वारा स्मृति चिन्ह प्रदान करके सम्मानित किया गया। काव्य संध्या में कवियों ने अपनी एक से बढ़कर एक रचनाओं के माध्यम से माँ की महिमा का गुणगान किया। अज्ञात वाहन ने बाइक को रौंदा, युवक की मौत। नवाबगंज के गांव हिमकरणपुर चमरौआ निवासी 45 वर्षीय कृष्णपाल शनिवार रात बाइक से सब्जी लेने गए थे। जादूपुर गांव के पास किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को रौंद दिया, इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।